इनको तो आप पहचानते ही होंगे, आजकल ये सबके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनको कम से कम 4 से 5 सुपरमार्केट्स में ढूंढने के बाद जब ये मेरे हाथ लगे तो मुझे लगा वाह अब तो मेरी जान बच ही जाएगी। जब मैंने इनको ध्यान से पढ़ा, इनके बैक साइड में जो इंस्ट्रक्शंस और इनके जितने भी मटेरियल यूज है, तो इसके अंदर देखा कि अल्कोहल तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है। उसके अंदर अल्कोहल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो मैंने इसके ऊपर 150-200 रुपए खर्च करे और ये छोटी सी क्वांटिटी मैं लेके आई थी कि कहीं भी जाए तो अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, और वो सब का सब बेकार। दोस्तों, सैनिटाइजर बनाने की विधि से पहले मैं आपका सिर्फ कुछ समय लेके आप लोगों के थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ कि 2 प्रकार के सैनिटाइजर्स होते हैं, अल्कोहल बेस्ड और अल्कोहल फ्री। अगर उनके अल्कोहल नहीं होता तो वो हमारे हाथों के जर्म्स को तो मार देता है काफी अच्छे हद तक, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं इतने बड़े स्केल पर आजकल जो फैली हुई हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचती इन सैनिटाइजर से। लेकिन अगर हमने किले में घुसना है तो सबसे पहले जो उनके मंत्री हैं, जो उनके गार्ड्स हैं, उनको ढेर करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोटीन प्रोटेक्ट करती है इस वायरस को। इसीलिए हमें ऐसे पैंडेमिक के टाइम पर सिर्फ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही यूज करना चाहिए। तो मैंने सोचा आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप सबको सिखाऊंगी कि कैसे आप WHO के स्टैंडर्ड्स का घर बैठे बैठे अपने आप हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं, वो भी 2 मिनट में और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ में। चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे बनेगा। तो दोस्तों, जो हमारा होममेड सैनिटाइजर है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि रबिंग अल्कोहल। जब भी हम कभी इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर हमारा ब्लड टेस्ट होता है कुछ भी, तो हमारे स्किन के ऊपर एक हल्का सा अल्कोहल का रब कर देते हैं, उसको बुलाते हैं रबिंग अल्कोहल, ऑल्सो कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। जैसे कि मैंने बताया, ये बड़ा ही ईजिली अवेलेबल है, आपके ड्रग स्टोर, केमिस्ट, किसी के भी पास आसानी से अवेलेबल है। सैनिटाइजर गायब हो जाएंगे लेकिन ये अभी भी अवेलेबल है बड़ी ही आसानी से, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये आपको 1 लीटर 200 से 250 रुपए तक का मिल जाएगा, मैक्सिमम 300 तक का मिल जाएगा। और इस 1 लीटर से हम कितना सारा सैनिटाइजर बना पाएंगे कि हमारी एक बॉटल जिसमें प्रति 50 ml अगर आता है तो वो 10 से 12 रुपए में आप अपने आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। यानी कि मार्केट वाले जो आपको 50 ml 60-70-80 रुपए का बेचते हैं, वो आप सिर्फ 10 से 12 रुपए में घर बैठे बैठे अपने लिए बना सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे सैनिटाइजर को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा। अब एलोवेरा की अनगिनत खूबियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने जो एलोवेरा का प्लांट घर पर लगा हुआ है उसी की कुछ पत्तियां तोड़ ली हैं। अगर आपके घर पर नहीं है तो पड़ोसी से ले लीजिए, कहीं भी नजर आता है आप ले सकते हैं। ये बड़ा ही इजीली ग्रोन प्लांट है, तो अगर आपको दिखता है तो लीजिए, नहीं है तो जो भी आपके पास जेल अगर अवेलेबल है पैकेट फॉर्म में, पैकेज्ड फॉर्म में, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमारे होममेड सैनिटाइजर को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है नीम। यानी कि इस तरह से नीम की पत्तियां आप तोड़ लीजिए, और जो ये नीम का सैनिटाइजर है इन तीनों सामग्री के साथ में बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, अब हम लेंगे ये जो एलोवेरा प्लांट के हमने पत्तियां ली हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि देखिए जो अल्कोहल होती है चाहे जो मर्जी है, जर्म्स को किल करती है, वायरस को किल करती है, लेकिन वो हमारे हाथों को बहुत ही ड्राई बना देती है। और एलोवेरा का ये भी फायदा है कि इसके अंदर विटामिन सी होती है, विटामिन ई होती है, जो कि हमारे जो हाथों को है ड्राइंग से प्रिवेंट करता है। तो इसलिए हम ये अपने जो सैनिटाइजर है उसको बनाते समय उसके अंदर ये बेस की तरह यूज करेंगे, और ये एकदम एक स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए। तो दोस्तों, अब ये जो हमारा एलोवेरा का जेल है ये बिल्कुल अभी तैयार है, इसके अंदर एक भी लम्स नहीं है। अगर आप इसको विस्क ना कर सके इतना फाइन, तो आप इसको ब्लेंडर में भी चला सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने 50 ml नीम का पानी लिया हुआ है, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में है, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम एक अलग से जग ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग अपना ये जो हमने बनाया है लिक्विड, इसको पूरा का पूरा पोर कर देंगे ऐसे। और फिर जो हमने ये जो लिया है आइसोप्रोपाइल का अल्कोहल, इस पूरे सॉल्यूशन को, ये 1 लीटर की बॉटल है, बड़ी ही आसानी से हर दवाई के जो दुकान है उसके ऊपर अवेलेबल होती है, इसको हम पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। हमने लिया है ये जो मात्रा हम बना रहे हैं अबाउट 1 लीटर तक हमारा
बनके हैंड सैनिटाइजर तैयार हो जाएगा। इसका कलर बहुत ही बढ़िया है और इसका जो काम है वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये जो है ये हमारे सिर्फ जर्म्स को मारेगा ही नहीं लेकिन हमारे हाथ को सॉफ्ट भी रखेगा। तो हमें एक ऐसा ही सैनिटाइज़र चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ ये अल्कोहल खरीद के और इसी को सैनिटाइज़र बना लेंगे तो ऐसा कतई ना करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो सैनिटाइज़र है ये आपके हाथ को बहुत ही खुरदरा और रफ़ बना देगा। इसके अंदर एलोवेरा और नीम जो उनकी खासियत है, उनकी गुडनेस है, उसको अपना जादू चलाने दीजिए और आपका हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल बन के तैयार है। अच्छा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ साथ अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। सिर्फ अकेले क्यों, सबको अगर हम अच्छाई बांटेंगे तो घूम फिर के हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बिल्कुल भी वायरस का नामो निशान नहीं रहेगा। बॉटल पे बॉटल भरते रहिए और अपने देश को वायरस फ्री बनाइए।